साल 2022 में ड्वेन जॉनसन की सुपर हीरो फिल्म ब्लैक एडम आई। रिव्यूज में फिल्म की धज्जियां उड़ाई गईं। रिलीज के बाद खबरें चली कि ड्वेन जॉनसन ने अपनी मनमानी चलाने के लिए स्क्रिप्ट में बदलाव करवाए। इस फिल्म पर डीसी वाले पर्दा डालना चाहते थे। फिल्म आई गई हो गई। लोगों को याद रहा तो एक सीन जो फिल्म खत्म होने के बाद आया। ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुपरमैन की पोशाक पहने हेनरी केवल दिख रहे थे। नीला चमकदार लेटेक्स का सूट और हवा में फहराता लाल लबादा। फैंस लहालोट हो गए। सुपरमैन बने हेनरी केवल को बेस्ट सुपर हीरो कास्टिंग में गिना जाता है। साल 2013 में आई मैन ऑफ स्टील में पहली बार वो इस कॉस्ट्यूम में देखे गए थे। इसी फिल्म से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के नाम का पहला पत्थर पड़ा था। उसके बाद सीक्वल के बनने की खबरें आई, लेकिन सीक्वल कभी नहीं आया। लेकिन ब्लैक एडम के बाद केवल ने खुद घोषणा कर दी कि वो बड़ी वापसी करने वाले हैं। सारे समीकरण लगाने की कोशिश हुई। वार्नर ब्रदर्स के अधिकारियों को लगने लगा कि सुपरमैन को हल्के में नहीं ले सकते। ये कोई बर्ड, कोई प्लेन नहीं, बल्कि सुपरमैन है। सीनियर लेवल पर बड़े बदलाव हुए। इसका दोष गया साल 2017 में आई जस्टिस लीग को। फैमिली ट्रेजेडी की वजह से जैक स्नाइडर वो फिल्म पूरी नहीं कर पाए थे। उनकी जगह जॉस वेडन को लाया गया। जॉस ने ही साल 2012 वाली एवेंजर्स बनाई थी। खैर, जस्टिस लीग बुरी तरह पिटी। सगे कट्टर फैंस ने भी फिल्म के साथ सौतेला बर्ताव किया। डीसी के फैन जॉस को उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह कुछ भारतीय क्रिकेट फैंस ग्रेग चैपल को देखते हैं। हेनरी केवल अपने सुपरमैन को वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब स्टूडियो ने ही फैसला किया कि वो सुपरमैन को नई छवि में दिखाना चाहते हैं। भारी मन के साथ केवल चुपचाप दूर हो गए। सुपरमैन की अगली लैंडिंग नवंबर 2022 में हुई। खबर आती है कि जेम्स गन उस पर एक फिल्म लिख रहे हैं जिसे वो खुद ही डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म का पहले आई फिल्मों से कोई नाता नहीं होगा, बल्कि जेम्स गन इस फिल्म से नया यूनिवर्स DCU शुरू करने जा रहे थे। जेम्स ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी करके उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। टाइटल में लिखा था सुपरमैन लेगेसी। बाद में लेगेसी पीछे रह गई और नाम सिर्फ सुपरमैन रहा। इस फिल्म की कहानी सुपरमैन की कॉमिक बुक सीरीज ऑल स्टार सुपरमैन पर आधारित है और ये किरदार की ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, यानी कहानी पहले पॉइंट से शुरू नहीं होने वाली है। फिल्म की कहानी में जवान सुपरमैन इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है, वो लोगों का हीरो है। जेम्स गन वाली फिल्म सिर्फ सुपरमैन पर फोकस नहीं करेगी, वो उसके अलावा हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न्स जैसे हीरोज भी फिल्म में अहम रोल में दिखाएगी। जो लबादा हेनरी के मजबूत कंधों से उतारा गया, उसे डेविड कोरेन स्वेट के कंधों की शान बना दिया गया। उस भारी लबादे और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को उठाने के लिए कोरेन स्वेट ने ट्रेनिंग भी शुरू की। द मार्वेलस मिसेस मेजल वाली रेचल ब्रॉसनेहन को लोइस लेन के रोल में फाइनल किया गया। निकोलस होल्ट सुपरमैन के परम शत्रु लेक्स लूथर बनेंगे। बीती 6 मई को जेम्स गन ने फिल्म से पहला लुक शेयर किया। डेविड सुपरमैन की धूल धूसरित कॉस्ट्यूम में तैयार हो रहे हैं। उनके बैकग्राउंड में गुलाबी और हरे रंग की रोशनी टकरा रही है। कहा जा रहा है कि हरी रोशनी ग्रीन लैंटर्न की वजह से है। इस सुपरमैन की कॉस्ट्यूम में कॉलर उठी हुई है, लेकिन इसने वो काम किया जो आखिरी बार साल 2006 में आई सुपरमैन रिटर्न्स में हुआ। डेविड वाली कॉस्ट्यूम के लिए मेकर सुपरमैन के आइकॉनिक रेड अंडरवेयर को फिर से ले आए हैं। उसका क्लासिक टच बरकरार रखते हुए अपना मॉडर्न टेक भी आने दिया है। जेम्स गन का सुपरमैन अभी दूर आसमान में उड़ रहा है। 11 जुलाई 2025 को पहली बार उसके कदम सिनेमाई दुनिया की धरती पर आकर टिकेंगे। तब तक इस फिल्म के बनने की कहानी आपको सुनाते हैं। क्यों कहा जाने लगा कि इसे बनाने में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हो गया, और क्या वाकई इसराइल हमास युद्ध की वजह से फिल्म के एक एक्टर का पूरा रोल उड़ा दिया गया, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। जेरी सीगल और जो शस्टर की कल्पना ने सुपरमैन को जन्म दिया। जेरी अमेरिका के ओहायो में स्थित क्लीवलैंड के निवासी थे। उनके काम को सम्मानित करने के लिए जेम्स गन ने अपनी फिल्म का बड़ा हिस्सा ओहायो में शूट किया। यहीं से बिज जर्नल्स नाम की वेबसाइट ने एक लंबी स्टोरी छापी। उन्होंने बताया कि सुपरमैन की शूटिंग के जरिए ओहायो के 3,000 निवासियों को काम मिलेगा। बताया गया कि फिल्म का बजट $363 मिलियन है। यह आंकड़ा रुपए में करीब 3,031 करोड़ रुपए होता है। अगर फिल्म का बजट वाकई इतना है तो ये अब तक की दूसरी सबसे महंगी सुपर हीरो फिल्म है। पहले नंबर पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन है। खैर, जेम्स गन तक भी आर्टिकल पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इन लोगों के पास हमारे बजट का नंबर कैसे पहुंच सकता है। जेम्स की इस बात को एक रेडिट यूजर ने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। उन्होंने एक पोस्ट किया
ओहायो में एक छूट मिलती है अगर आप वहाँ शूट करेंगे, और चाहे भले ही फिल्म का 10-20% शूट करें तो भी आपको पूरा बजट बताना पड़ेगा। उसी के आधार पर टैक्स में राहत मिलेगी। उस यूज़र ने एक फॉर्म शेयर किया, उसका दावा है कि सुपरमैन के मेकर्स ने ये जमा करवाया। उसके अनुसार फिल्म के प्रोडक्शन बजट वाले कॉलम में $363 मिलियन लिखे हुए हैं। यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि लोग लिख रहे हैं कि जानबूझकर ज़्यादा बजट दिखाया गया ताकि उसी हिसाब से छूट मिल सके, वास्तविक बजट इससे कम ही रहा होगा। दूसरा ये कि फिल्म का असली बजट इतना बड़ा ही हो, बस मेकर्स इस बात को छिपा कर रखना चाहते हैं। अगर आपकी फिल्म का बजट $363 मिलियन है तो मुनाफे के लिए बॉक्स ऑफिस पर $900 मिलियन से $1 बिलियन तक का कलेक्शन आपको करना होगा। रुपए में बात करें तो ये नंबर करीब 8,000 करोड़ रुपए होता है। फिल्म का बजट ऊपर जाने की खबर से उसके प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट भी बनने लगता है कि क्या मेकर्स को अपनी कहानी पर भरोसा नहीं। इस वजह से भी बड़ी फिल्में अपना बजट छुपा कर रखती हैं। जेम्स गन ने भले ही कह दिया कि $363 मिलियन असली बजट नहीं, लेकिन उनकी टीम की तरफ से ये नहीं बताया गया कि प्रोडक्शन बजट की रेंज क्या है। कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि प्रोडक्शन बजट $180 से $200 मिलियन रहा होगा। मार्केटिंग आदि का खर्चा उसके ऊपर जुड़ेगा। साल 1996 में हॉलीवुड की स्लैशर फिल्म स्क्रीम आई थी। ये फिल्म इतनी चली कि इसे फ्रेंचाइज की शक्ल दे दी गई। जिस वक्त ये लाइन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस दौरान स्क्रीम के 7वें पार्ट पर काम चालू हुआ है। बीते साल स्क्रीम 7 को लेकर बहुत हंगामा मचा था। मेलिसा बरेरा एक एक्ट्रेस हैं, 2022 और 23 में आई स्क्रीम और स्क्रीम 6 का हिस्सा थी। फिर खबर आई कि 7वें पार्ट से उन्हें निकाल दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने इसराइल पर रॉकेट स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में इसराइल ने गाजा पर हवा और ज़मीन के रास्ते हमला किया। कई देशों ने इसराइल की आलोचना की तो वहीं कुछ उसके समर्थन में भी थे। हॉलीवुड भी इस मुद्दे पर बंट गया। कुछ सेलिब्रिटीज़ ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाई, मेलिसा भी उनमें से एक थी। उसके बाद खबर आती है कि उन्हें स्क्रीम फ्रेंचाइज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कहा गया कि फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने के लिए मेलिसा को निकाला गया। प्रोड्यूसर्स ने कहा कि मेलिसा का कथन यहूदी विरोधी था, इसलिए उन्हें निकाला गया। बहरहाल हॉलीवुड से ऐसी खबरों का सिलसिला रुका नहीं। बेसम यूसुफ एक एक्टर और कॉमेडियन है। उनका नाम सुपरमैन लेगेसी से जुड़ा। फिल्म की कहानी में कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को दिखाया गया। खबरें आईं कि बेसम को एक मिडिल ईस्ट के आतंकी के रोल में फाइनल कर लिया गया है। फिर अक्टूबर में इसराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ। बेसम ने पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया, जहां फिलिस्तीन के सपोर्ट में उन्होंने अपनी राय रखी। इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद बेसम ने बताया कि उन्हें सुपरमैन वाली फिल्म से निकाल दिया गया है। उन्होंने पियर्स को दिए दूसरे इंटरव्यू में कहा कि ये खबर सुनकर वो बहुत गुस्से में थे। उन्हें जेम्स गन और वार्नर ब्रदर्स पर गुस्सा आ रहा था। मीडिया में छपा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए बेसम को सुपरमैन लेगेसी से फायर कर दिया गया। इसके बाद फिल्म से जुड़े लोगों ने बोलना शुरू किया। डेडलाइन और वैरायटी में छपी रिपोर्ट्स में घटनाक्रम का ये वर्जन मिलता है। उसमें लिखा गया है कि एक्टर्स की स्ट्राइक से पहले बेसम के नाम पर विचार चल रहा था, उन्हें फाइनल भी कर लिया गया, लेकिन फिर स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए। उस वजह से बेसम के किरदार की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनका रोल जो है वो हटा दिया गया। ये सब 7 अक्टूबर से पहले हुआ था। हालांकि बेसम अपनी बात पर कायम थे, उधर मामला भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। मीडिया को दोनों तरफ से कंटेंट मिल रहा था। ऐसे में फरवरी 2024 में बेसम ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। वो कहते हैं, मैं सुपरमैन वाले विवाद पर आखिरी बार मिट्टी डाल रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। मैं जेम्स गन का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार और सम्मान है। अब बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। बीती जून एक्टर्स की स्ट्राइक से एक दिन पहले मुझे नई सुपरमैन फिल्म के लिए ऑडिशन का कॉल आता है। मैं अपना ऑडिशन भेज देता हूं और एक घंटे के अंदर मुझे मेरा एजेंट फ़ोन करता है। वो बताता है कि जेम्स गन को मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया, मेरी जेम्स से बात भी हुई, मैं बहुत खुश था। कुछ महीने बीत जाते हैं। 7 अक्टूबर के बाद मैं पियर्स मॉर्गन का शो करता हूं। उसके बाद जैसे ही एक्टर्स की स्ट्राइक खत्म होती है, हमें स्टूडियो से फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, उनकी वजह से अब बेसम हमारे साथ काम नहीं कर रहे। ये देखने में बहुत ख़राब लगता है। अगर स्क्रिप्ट बदली भी गई तब भी ये देखने में ख़राब लग रहा है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों को अपने पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से
निकाल दिया गया था। ये सब नवंबर में हुआ, मैं बहुत दुखी था। बेसम बताते हैं कि कुछ महीनों बाद वो एक पॉडकास्ट पर गए थे, वहाँ उनसे पूछा गया कि क्या अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कोई फिल्म उन्हें छोड़नी पड़ी। तब बेसम ने सुपरमैन वाला किस्सा सुनाया। उनके अनुसार उसके बाद उन्हें जेम्स गन का फ़ोन आया। जेम्स कहते हैं कि वो स्क्रीन टेस्ट के बाद ही अपने एक्टर्स को फाइनल करते हैं और उन्होंने बेसम को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा था। बेसम का मानना है कि जेम्स गन का कोई बुरा इरादा नहीं था और मुमकिन है ये सब अनजाने में हुआ हो। बेसम कहते हैं कि उनके मन में किसी को लेकर कोई खटास नहीं है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ये पूरी तरह से मुमकिन है कि फिलिस्तीन पर बोलने की वजह से बेसम को निकाला गया हो। हालांकि मेकर्स का ऑफिशियल वर्जन यही है कि इसराइल और हमास के युद्ध से पहले ही वो अपनी कहानी में बदलाव कर चुके थे। डीसी अपने सबसे बड़े हीरो के साथ अपने यूनिवर्स के दरवाजे खोलने जा रहा है। 11 जुलाई 2025 को सुपरमैन रिलीज होगी। फिल्म को लेकर कैसी हाइप बनी रहती है वो टीजर, ट्रेलर और बाकी मटेरियल आने के बाद ही साफ होता रहेगा। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।